कुछ नेता तो कह रहे हैं कि हटा दिया जाए योगी जी को। हम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर हमारे हिसाब से योगी जी ठीक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्राइम कम हुआ है, लूटपाट कम हुई है, हम इस पे सहमत हैं, बहुत खुशी हमें इस बात पे। हमें पता चलता है ना, हम 12 बजे रात में हमारी घर की महिलाएं, आसपास की महिलाएं 12 बजे 1 बजे जाती हैं, तो पता चलता है कि हाँ सुरक्षित है। कि योगी जी को हटा दिया जाए सीएम पद से, बिल्कुल रॉन्ग है। जो ऐसा सोच रहा है बिल्कुल अपने राज्य के प्रति बेईमानी का उसका नजरिया है, ईमानदारी 1% भी नहीं है। क्योंकि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री मिलना देश के लिए, मतलब उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है भाई। राष्ट्रवादी अगर कोई नेता है तो योगी जी हैं, और बाकी अखिलेश की तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो पूरा जड़ से ही मतलब खराब है। खुर्शीद कहाँ से? सर यूपी से। यूपी तो इतना बड़ा, यूपी में कहाँ? यूपी आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हैं। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे एक हलचल सी मची हुई है यूपी पॉलिटिक्स में, कुछ नेता तो कह रहे हैं कि हटा दिया जाए योगी जी को, चेंज कर दिया जाए, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे हिसाब से तो योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जिस डिस्ट्रिक्ट से हम आते हैं वहाँ पे योगी जी की एक भी सीट नहीं है। 10 सीट होती है यूपी विधानसभा में, आजमगढ़ विधानसभा में, तो 10 सीट होती है, 10 सपा की है, मगर हमारे हिसाब से योगी जी ठीक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्राइम कम हुआ है, लूटपाट कम हुई है, बहुत सारे जो ऐसे काम थे जो बहुत जो अनलीगल काम थे वो बैंड हुआ है, हम इस पे सहमत हैं, बहुत खुशी हमें इस बात पे। और नौकरी चाकरी के लिए इससे पहले भी जो सरकार थी अखिलेश यादव थे, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, उन्होंने तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लागू की, जैसे कि पब्लिक के लिए 100 नंबर लाए, उससे लाभ आज भी हो रहा है, योगी की सरकार में भी लाभ हो रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंट है, बाकी सेम वही है। नौकरी की दिक्कत तभी पहले भी थी, आज भी है, कौन सी आज भी नहीं है, आज भी युवाएं हजारों हजार की संख्या में घूम रहे हैं लोग, तो ही चीज़ें हैं। तो बाकी वैसे उस हिसाब से भी बदलाव कुछ नहीं करना चाहिए योगी जी को कंटिन्यू? हम तो यही कहेंगे कुछ नहीं, क्राइम कम चाहिए अपने को, क्राइम कम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें अपने खुश रहने से मतलब नहीं है ना, जब हमारे आसपास के लोग खुश रहेंगे तो उससे बेहतर है। इंसान परिवार के बारे में ज़्यादा, हाँ, अपने लिए जिए तो क्या मतलब है, हमारे पड़ोस में कौन से कास्ट के लोग रहते हैं उससे नहीं मतलब, इंसान तो है ना, हमें वो सुकून चाहिए। अपराध कम होगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे, बस यही चीज़ें हैं। खुशी इस बात की है कि क्राइम कम है, पॉलिटिक्स लोग का क्या काम है कि दिखावे का बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं कि हमें रोज़गार, हम युवाओं के लिए रोज़गार लाए हैं, कोई नहीं करता है, सब बातें करते हैं, लेकिन मेन आपके हिसाब से कि क्राइम पर क्राइम, इस चीज़ के लिए हम बहुत सहमत हैं, और आगे हम भी सपोर्ट करते रहेंगे इस चीज़। 2700 नाम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हमारे विधानसभा में एक भी सीट नहीं है, पूरे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक भी सीट नहीं है बीजेपी भी आप सपोर्ट करते हैं, चूँकि हमें पता चलता है ना, हम 12 बजे रात में हमारी घर की महिलाएं, आसपास की महिलाएं 12 बजे 1 बजे जाती हैं, तो पता चलता है कि हाँ सुरक्षित है। पहले क्या होता था, अभी हम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अधिकतम लोग ज़्यादातर सपा का रुझान करते हैं, आज यूपी में सपा का रुझान करते हैं कि अखिलेश यादव मियाँ और यादव परिवार के लोग के बहुत वो क्लोज हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं। इतना बड़ा नेता आज सपा का आजम खान, अखिलेश यादव मिलने तक नहीं गया, आजम खान इतना बड़ा नेता जेल में बंद है, आज तक नहीं गया मिलने के लिए, इतना मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी अखिलेश यादव अपने ट्विटर से कभी ट्वीट नहीं करते, क्या मतलब है ऐसे लोगों को सपोर्ट करना? वोट बैंक के लिए, अब वोट बैंक के लिए कि हमारा मुस्लिम, बस वोट के लिए ऐसा करते हैं। इतना बड़ा नेता आजम खान, उसके बारे में बोलते शब्द नहीं, एक भी शब्द नहीं बोलते, तो क्या फ़ायदा है? हमें जो अच्छा लगेगा हम उनको वोट करेंगे, जीते हारे उससे नहीं मतलब। जी कुमार बरनवाल कहाँ से हैं? यूपी देवरिया से। देवरिया से हैं। अच्छा, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, उसके रिजल्ट आए, अभी कुछ लोग ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि योगी जी को हटा दिया जाए सीएम पद से, किसी और को बनाया जाए, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ, जो ऐसा सोच रहा है बिल्कुल अपने राज्य के प्रति बेईमानी का उसका नज़रिया है, ईमानदारी 1% भी नहीं है। क्योंकि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री मिलना देश के लिए, मतलब उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं उसमें बिल्कुल सत्यता नहीं है, अगर होगी तो
तो बिल्कुल रॉन्ग है। लोग तो प्रयास कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के नेता वो भी कह रहे हैं कि हटा दिया जाएगा योगी को, बोला ही था केजरीवाल। अरे चोर आदमी क्या बोलेगा, केजरीवाल जिसके सारे सांसद जेल में हैं और वो खुद भी जेल में है, वो क्या बोलेगा देश के बारे में, चाहे योगी जी के बारे में। क्या अंतर है योगी जी और अखिलेश यादव में? भाई राष्ट्रवादी अगर कोई नेता है तो योगी जी हैं, और बाकी अखिलेश की तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो पूरा जड़ से ही मतलब वो ख़राब है, और उसके खराबियों की काउंटिंग की जाए तो शायद लिस्ट भी कम पड़ जाएगी। अभी हम जितनी आपसे बात कर रहे हैं इतनी बात शायद आप दिखा भी ना पाए। जो नेता चाह रहे हैं जनता, जो जैसे आप तो यूपी गई हैं तो जनता का भी उस पर कुछ होना चाहिए। जनता का पूरा योगी जी के साथ है, और रही बात गद्दारी की तो वो कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको लग रहा है, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है बीजेपी। जी जी ऐसा कुछ नहीं है, और योगी जी के साथ पूरी जनता है और रहेगी। वेलकम, थैंक यू। आइए और लोगों से चर्चा करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? अजय सिंह। कहाँ से? हम यूपी कुशीनगर। कुशीनगर से हैं। अच्छा, 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ यूपी में, और बीजेपी ने योगी जी के चेहरे पर लड़ा और जीत भी हासिल की दूसरी बार। अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी की कुछ सीटें कम हो गई सपा से, तो अब कुछ विपक्षी नेता हैं, कुछ बीजेपी के अंदर के भी कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अब योगी जी को सीएम पद से हटा दो। नहीं, योगी जी अच्छे सीएम हैं, काम भी उनका बहुत स्वच्छ है, और उनको हटाना ठीक नहीं है। आप चाहते हैं योगी जी रहें? हाँ बिल्कुल, 100%। तो ऐसे क्या कारण है, क्यों चाहते हैं आप योगी जी रहने चाहिए? योगी जी का काम अच्छा है, कुछ मंत्री मान लीजिए उनके विभाग के खराब काम करा रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए योगी जी को। वो भी खबर आ गई है कि अब मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, प्रदेश संगठन में बदलाव होगा। हाँ बिल्कुल, बदलाव करना चाहिए उनको, जो मंत्री बढ़िया से काम नहीं कर रहा है उनको तुरंत हटाना चाहिए। हाँ, जो अधिकारी बढ़िया से काम नहीं कर रहा है उसको हटाना चाहिए, और अच्छे आदमी को रखना चाहिए ताकि हमारे प्रदेश का और देश का डेवलप हो सके। विपक्ष तो ये भी तैयारी कर रहा है, देखिए अब सीटें इनकी कम हो गई, 27 का चुनाव होगा तो हम बीजेपी को हरा देंगे और इस बार हम सरकार बना लेंगे। हरा देखिए, हारना जीतना वो अपने जगह पे अलग बात है, लेकिन काम हमेशा जो है आपको अच्छा करना चाहिए। हार जीत होता है, फिर आदमी सोच विचार करता है कि भाई फला व्यक्ति ने जो है सीएम था, बढ़िया काम किया था, अगर एक बार हार गया फिर अगले को जो है जिता दो, तो काम बेस पे ही आदमी वोट देने का विचार करता है। तो इन दोनों के में किसको आप बढ़िया देखते हैं, अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ? अखिलेश यादव को भी ख़राब नहीं कहा जा सकता है। हाँ अखिलेश यादव भी अच्छे नेता हैं। रह गया सीएम बनने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के अपोजिट ऐसा काम करें कि देश को जो है गर्त में ढकेलते जाएं या प्रदेश को गर्त में ढकेलते जाएं। दोनों लोगों का काम ये है कि चाहे वो बैठें चाहे वो बैठें, प्रगति जो है प्रदेश की प्रगति होना चाहिए। हाँ, यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात। ठीक जी, आपका क्या नाम हुआ? ऋषभ राठौर। कहाँ से हैं ऋषभ? यूपी फरुखाबाद से। यूपी फरुखाबाद, तो आपने भी सवाल सुन ही लिया, वही है मेरा आपसे भी सवाल, जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब तो योगी जी को हटा देना चाहिए सीएम पद से, और कोशिश भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो अखिलेश जी ने क्या कर लिया था अपने सीएम पद पे? हाँ, योगी जी क्यों हटेंगे ये भी तो पूछ लीजिए उन्होंने विपक्ष से कि योगी जी हटेंगे तो अखिलेश ने क्या कर लिया था उस समय? वो कह रहे हैं बीजेपी से ही कोई और बन जाए, अब जो है इनकी जो है इनका कम हो गया है वर्चस्व योगी जी का, तो किसी और को बना दो योगी जी को हटा के। उनको डर सता रहा है। डर सता रहा है विपक्ष को इस मारे। किस चीज़ का डर? योगी जी का डर? योगी जी का डर है, और किसी का डर नहीं उनको। हम तो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने। योगी जी विपक्ष लगा है कि सीएम से भी हटा दो, आप कह रहे हो प्रधानमंत्री बना दो। अरे फौज में होता क्या है ये भी बताओ आप, अकेले लड़ो उसमें तो मालूम चलेगा, गठबंधन में होता क्या है। 27 के भी सपने देख रहे हैं? 27 बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव देख रहे हैं कि अब 27 में सीएम बना जाए? नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे वो तो। अब कभी नहीं बनेंगे, हो गया एक टर्म जो होना था। अच्छा, तो क्यों इन दोनों में योगी जी क्यों बढ़िया लगते हैं आपको, कोई कारण? उनका काम अच्छा है, उनका काम बोलता है। काम बोलता है योगी। चलिए चलिए। नाम अजीत कुमार है। अजीत जी कहाँ से हैं? हम तो बिहार से। बिहार? बिहार में कहाँ से? गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला से हैं। अच्छा, कौन सा सिम यूज़ करते हैं?
हम तो जियो का यूज करते हैं। जियो का यूज करते हैं, अभी तो एक माहौल चल रहा है, जियो ने रेट बढ़ा दिए। हाँ पता है। तो क्या आप पोर्ट कराएंगे बीएसएनएल में या जियो में चलने देंगे? ऑलरेडी है पहले से बीएसएनएल का। बीएसएनएल का अलग से है? हाँ। तो जियो की सिम का क्या करेंगे? है वैसे, वो भी चलेगा जियो का, वो भी चलाते रहेंगे। हाँ। तो मतलब बढ़ाए भी हैं तो कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, असर तो पड़ रहा है। हाँ। सबको पड़ रहा है असर। चलिए, आपका क्या नाम है? सिकंदर प्रसाद। कहाँ से हैं सिकंदर? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से हैं। गोरखपुर तो फेमस है कि गोरख स्पीड के लिए, और योगी बाबा भी वहीं से हैं। हाँ जी, हाँ जी, वहीं से। तो अभी ये बताइए, एक तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी एक माहौल चल रहा है पूरा कि अब योगी जी को हटा दो, योगी जी के उसमें इस बार सीटें कम हो गई, योगी जी को हटा देना चाहिए, हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? अरे सब हटाएंगे तो हम भी हटाएंगे। हाँ जी, सब नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए 10% लोग बोल रहे हैं। अगर जो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं तो बढ़िया है। आपके हिसाब से बढ़िया कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो बढ़िया काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ जी। तो रहना चाहिए योगी जी? हाँ जी, रहना चाहिए। कब तक रहना चाहिए योगी जी? अब जब तक हो रहा है। जब तक मतलब सीटें हैं बीजेपी? हाँ, बीजेपी का जब तक सीटें हैं। यहाँ कोई और चेहरा लगता है बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की जगह ले ले? हाँ है, बहुत है। जैसे कौन कौन लगता है? जैसे अखिलेश वखिलेश जो भी है, उनकी तो सीटें नहीं है, मैं बीजेपी में पूछ रहा हूँ। बीच बीच में अब जो भी हो जाए सर। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? अशोक यादव। कहाँ से हैं? मैं आजमगढ़ यूपी। आजमगढ़ से हैं। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, और जो नतीजे आए सबके सामने हैं, 37 सपा, 33 बीजेपी, 6 कांग्रेस। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ पार्टीज के लोग ये कह रहे हैं कि अब योगी जी को हटा देना चाहिए सीएम पद से, अब किसी और को बनाना चाहिए। ऐसा ये तो किसी के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है जो फैसला लेगा वो होगा। अच्छा, आप यूपी के रहने वाले हैं, एज अ जनता क्या देखते हैं आप? योगी जी ठीक हैं या उनकी जगह कोई और होना चाहिए? अखिलेश। अखिलेश यादव नहीं? हाँ। अभी तो जैसे बीजेपी के पास बहुमत है, बीजेपी रहेगी 27 तक, तो बीजेपी में कोई और चेहरा लगता है? बीजेपी के पास केशव प्रसाद मौर्य चेहरा पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन उनको बीजेपी बनाएगी नहीं। उनको नहीं बनाएगी? नहीं, वहाँ जनरल हावी हैं। क्योंकि अभी दिल्ली भी आए थे वो, और जब पहली बार योगी सीएम बने थे योगी जी, तब भी वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे यूपी के, बट जीतने के बाद इनको बना दिया गया। ये चेहरा भी नहीं थे, लोगों को ज़्यादातर उम्मीदें थी कि केशव प्रसाद मौर्य ही बनेंगे, बट सडनली बिल्कुल अचानक खिला दिया गया योगी जी को, प्रमोट कर दिया गया। तो फ्यूचर में भी ऐसा नहीं लगता कि उनको ये लोग बनाएं, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व कभी उनको बनाएगा ही नहीं। हाँ। क्यों नहीं बनाएगा, क्या कारण? वही बताया ना, जनरल लॉ भी हावी है। नहीं, योगी जी को अभी कंटिन्यू करेंगे मतलब? अभी तो वही हैं, चुनाव के बाद ही शायद। इस समय कैसे आप कह रहे हैं कि चेंज हो रहे हैं, कहाँ से आपको खबर मिली है? मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी नेता कह रहे हैं, संजय सिंह वो भी कह रहे हैं कि अब इनको देखिए हटा देंगे, बात सच हो गई केजरीवाल की। विपक्ष वाले बोलते रहे, उससे क्या हो रहा है, उनको कैसे, उनके पास तो बहुमत है, और बदलेगा भी तो बीजेपी का ही रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? रहेगा तो बीजेपी का ही रहेगा। 78 है, बिल्कुल कंटिन्यू बीजेपी रहेगी। मैम आप भी यूपी से? हाँ, यूपी से, साथ में हस्बैंड के। तो आप बताइए, योगी जी रहने चाहिए नहीं रहने चाहिए? अब योगी जी आ गए तो योगी जी को कैसे हटाएंगे, योगी जी ही रहेंगे। तो कुछ विपक्ष नेता बोल रहे हैं इनको हटाने की कोशिश, बोलने से तो नहीं हो जाएगा ना, योगी जी ही रहेंगे। पॉसिबिलिटी नहीं है ना सर, कुछ है ही नहीं ना, ऐसा कुछ मटेरियल नहीं है इनके पास की, सिर्फ वो बोल रहे हैं, अब बोलने से तो हो नहीं पाएगा ना। यहाँ तो सीटों का 19-20 का फर्क होता है, सीटों का भी बहुत तफ़ीर हो सकता है। योगी जी को चेहरे पे ये लोग चुनाव लड़े थे और जीते हैं, सेकंड टर्म यूपी में कभी ऐसा होता नहीं था, फर्स्ट बार हुआ ऐसा। और उस भी मेनली योगी पूरा कार्यकाल पूरा किया था, इस बार भी मैं भी मुझे है जैसे संभावनाएं लग रही है कि वही पूरा करेंगे। हाँ, चलिए चलिए, ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद।